नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है ईटी एजुकेशन। और इस वीडियो में आपको कुछ महत्वपूर्ण जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं, जीके के क्वेश्चन हैं चुनिंदा, जो मैं आपके लिए कुछ चुन के लेके आता हूं, वो लेके आया हूं इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि शिक्षा का अभिप्राय क्या है, मतलब शिक्षा होती क्या है, शिक्षा से मतलब क्या होता है। तो शिक्षा का मतलब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कहीं आप मतलब ये नहीं कह सकते कि इस टॉपिक से है या इस सब्जेक्ट से है। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर लाते हैं किसी भी एग्जाम में, इनका जो परसेंटेज होता है वो 8 से 10% ऐसे क्वेश्चन जरूर लाते हैं जो मतलब जो भी किसी भी सब्जेक्ट से नहीं होते, ना हिस्ट्री से ना ज्योग्राफी से, वो मतलब अलग ही होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि शिक्षा का अभिप्राय क्या है, मतलब शिक्षा होती क्या है। तो शिक्षा क्या है दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जीना सीखने की कला को बोलते हैं शिक्षा। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कीजिए, तो जीने की जो जीना सीखने की कला है उसी को बोलते हैं शिक्षा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल जो था वो कब समाप्त हुआ था। तो दिल्ली सल्तनत का जो एक तरीके से समाप्त हुई थी दिल्ली सल्तनत, तो वो पानीपत के युद्ध के समय हुई थी 1526 में, ऑप्शन बी 1526 में जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो उसी में जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, वो भी सल्तनत काल से संबंधित था, उसका अंत हो गया था। उसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डल गई थी। तो सल्तनत काल का अंत कब हुआ, 1526 में, ऑप्शन बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रवि कीर्ति जो एक जैन थे, उन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की को किसका संरक्षण प्रदान था। जो रवि कीर्ति थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रवि कीर्ति थे पहली बात तो वो किसके दरबार में रहते थे, इन्होंने एक ऐहोल, ऐहोल जो स्तंभ है, ऐहोल प्रशस्ति स्तंभ है, उसकी रचना की थी, तो किसके दरबार में रहते थे रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति रहते थे पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में, हर्षवर्धन को भी हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने, तो ये पुलकेशिन द्वितीय के समय दरबार में रहते थे रवि कीर्ति। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मीन कैम्फ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए मीन कैम्फ क्या है, मीन कैम्फ एक जर्मन भाषा में लिखी गई थी जिसका मतलब होता था मेरा संघर्ष। मीन कैम्फ का वास्तविक नाम है मेरा संघर्ष, यदि हम हिंदी में बात करते हैं तो। ये एक आत्मकथा थी जो कि एडोल्फ हिटलर के द्वारा लिखी गई थी। एडोल्फ हिटलर जो कि जर्मनी का एक तरीके से डिक्टेटर था, तानाशाह था जर्मनी, आप ऐसा कोई नहीं होगा जो हिटलर को नहीं जानता। तो हिटलर ने लिखी थी मीन कैम्फ यानी मेरा संघर्ष। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है, तो इन चारों में से कौन सी पुस्तक है जो कि कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई है। तो वो है दास कैपिटल, ऑप्शन सी। दास कैपिटल एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है, जो जैसे कि हम सभी जानते हैं हिंदुओं की तो गीता है, मुस्लिमों की कुरान है, तो उस तरीके से जो यहूदी धर्म होता है उनकी पवित्र पुस्तक का क्या नाम है। तो उनकी पवित्र पुस्तक है जैंदा अवेस्ता, ऑप्शन डी। जैंदा अवेस्ता जो है वो यहूदियों की जो पवित्र पुस्तक है। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। तो रामचरितमानस एक ग्रंथ है जो कि तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था, ये तो आपको पता होगा। तो ये जो लिखा गया था, इसका जो रचना की थी तुलसीदास ने, वो अकबर के शासनकाल में की थी, ऑप्शन बी। अकबर के समय में जो तुलसीदास ने, उन्होंने रामचरितमानस की स्थापना नहीं, सॉरी, इसकी रचना की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष के द्वारा लिखी गई थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट पुस्तक है जिसका नाम है कवि राजमार्ग, ये अमोघवर्ष के द्वारा लिखी गई थी। कवि राजमार्ग, ये ध्यान रखना जरूर कि कवि राजमार्ग जो है वो अमोघ वर्ष के द्वारा लिखी गई थी, और अमोघ वर्ष जो था वो राष्ट्रकूट वंश का शासक था अमोघ वर्ष। ठीक है, और इसकी पुस्तक है कवि राजमार्ग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था। तो सातवाहन वंश था, इसका सबसे बड़ा शासक कौन था, तो उसका जो सबसे बड़ा शासक था वो था गौतमीपुत्र सातकर्णी, और जो उसका पहला शासक था जिसने सातवाहन वंश की नींव डाली थी उसका नाम था सीमोक। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही है। देखिए प्रथम उपभोक्ता में यहाँ तेंदुआ दिया हुआ है, आप पहले तो समझ लीजिए इसे अच्छे तरीके से। प्रथम उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता यहाँ पे घास को कहा गया है, अपघटक यहाँ पे बैक्टेरिया को कहा गया है, और उत्पादक यहाँ पे हिरण को कहा गया है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ उत्पादक क्या होते हैं। ठीक है, उत्पादक क्या होते हैं, तो जो जितनी भी घास होती है, जितनी वनस्पति होती है, उस सभी को बोलते हैं उत्पादक। ठीक है,
हिरण तो वनस्पति नहीं है, हिरण तो घास वगैरह कुछ नहीं है, तो वनस्पति जितनी भी होती है उसे उत्पादक बोलते हैं। अब देखिए प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, जो घास को खाते हैं, ठीक है, जैसे घास वनस्पति को खाते हैं, ऐसे जीवों को बोलते हैं हम प्रथम उपभोक्ता। जैसे कि हिरण, हिरण घास खाता है, सीधी सी बात है, जो उत्पादकों को खाते हैं ना वो होते हैं प्रथम उपभोक्ता। जैसे कि हिरण है, हिरण घास खाता है, गाय है, गाय भी प्राथमिक उपभोक्ता है, मतलब जो भी पेड़ पौधे वनस्पति खाते हैं सब प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अब देखिए द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं, तो द्वितीय उपभोक्ता वो होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा लेते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए भालू, ठीक है, भालू क्या होता है, हिरण को खा सकता है, तो जो भालू है वो द्वितीय उपभोक्ता है, ठीक है। अब देखिए एक होता है तृतीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता वो होता है जो द्वितीय उपभोक्ता को खा लेता है, जैसे कि शेर। शेर क्या है, तृतीय उपभोक्ता, क्योंकि शेर जो है वो बाघ को भी खा मार सकता है, खा सकता है, ठीक है। तो ये हो गए तृतीय उपभोक्ता। और अब ये लेकिन घास तो तृतीय उपभोक्ता नहीं है, द्वितीय उपभोक्ता नहीं है, और प्रथम उपभोक्ता तेंदुआ भी नहीं है। तो अपघटक क्या है, देखिए अपघटक क्या होते हैं, जो जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं सब अपघटक ही होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया एक अपघटक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक से दर्शाया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो संकटग्रस्त प्रजातियां यानी कि जो लुप्त होने वाली हैं, जो लुप्त होती जा रही हैं, उनको जो दर्शाया जाता है वो दर्शाया जाता है रेड डाटा बुक, बोलते हैं उसे रेड डाटा बुक। तो यानी कि इसका रंग है सी, लाल, ठीक है, लाल रंग की जो बुक होती है, लाल रंग नहीं, इसे बोलते हैं रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में उन्हीं को शामिल किया जाता है, ऐसी प्रजातियों को जो संकटापन है, जो मतलब विलुप्तिकरण के कगार पे है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जो सिक्के होते हैं सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सिक्कों के अध्ययन को बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स, ऑप्शन सी, न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है सिक्कों के अध्ययन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अधिकांश भूपर्पटी किस शैल से बनी होती है, जो पृथ्वी का सबसे, पृथ्वी की जो भारी परत होती है जिसे क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट, तो ये जो होती है वो किसकी बनी होती है अधिकतर, इसमें क्या होता है। तो ये अधिकतर जो होती है अवसादी चट्टानों से बनी होती है, ठीक है, ऑप्शन सी, अवसादी चट्टाने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइंस से है ये कि जो सहलग्नता की खोज की थी वो किसके द्वारा की गई थी, सहलग्नता की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी बैटसन के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सहलग्नता की खोज की थी बैटसन ने, ऑप्शन डी, बैटसन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का जो प्रमुख साधन है वो कौन सा है। उत्तर प्रदेश के लिए हम बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, खेतों में पानी होता है, वो नलकूप के द्वारा होता है। नलकूप क्या होता है, ट्यूबवेल जो होते हैं, ट्यूबवेल जो मतलब समरसेबल भी होते हैं, जो ट्यूबवेल भी होते हैं, जो नलकूपों के द्वारा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है। यदि हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु का जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा सिंचाई होती है तालाबों से, ठीक है, तालाबों से। और जो पंजाब है, पंजाब 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 में जो सबसे ज्यादा सिंचाई होती है वो होती है नहरों से। तो तीनों मैंने आपको बता दी, उत्तर प्रदेश में नलकूप, पंजाब में नहरें, और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में तालाब, इन्हीं सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस्लाम धर्म की जो स्थापना हुई थी वो कौन सी शताब्दी में हुई थी। तो इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी 7वीं शताब्दी में, ऑप्शन ए, 7वीं शताब्दी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिंतो कहाँ का मूल धर्म है। तो अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ भी है कि शिंतो जो है वो कहाँ का धर्म है। तो शिंतो है जापान का धर्म, ऑप्शन बी, जापान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आग को बुझाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है। तो आग बुझाने में जो मुख्य रूप से गैस इस्तेमाल की जाती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जलने में बाधा पहुंचाती है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो जलने में हेल्प करती है। तो दोनों में डिफरेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस मतलब गैस जो है वो आग बुझाने में हेल्प करती है, और ऑक्सीजन जो है वो आग जलाने में हेल्प करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य हड़प नीति को नहीं अपनाया गया था, जो हड़प नीति अपनाई थी डलहौजी के द्वारा। तो इसमें तीन जो थे, सबसे पहले तीन जो एक राज्य थे, तीन राज्य सबसे पहले अपनाया गया था, वो थे सतारा, नागपुर और झांसी। इन तीनों को हड़पिया गया था, लेकिन उसमें पंजाब शामिल नहीं था। तो ऑप्शन इसका जो गया बोला कौन सा नहीं हड़पा गया था, हड़प नीति के मतलब अंतर्गत नहीं मतलब कब्जा किया गया था उस पर, तो वह पंजाब, पंजाब को हड़प नीति के नहीं किया गया था। सिर्फ तीनों शहर जरूर ध्यान रखने हैं, सतारा, नागपुर और झांसी, इन तीनों को हड़प लिया गया था, जो नीति डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी उसके अंतर्गत।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी, ऑप्शन डी वोल्गा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोही में जंग लगना जो है वो क्या है, कौन सा परिवर्तन है लोही में जंग लगना। तो लोही में जंग लगना होता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, जो ध्यान रखना, रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन बी लोही का जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो रेडशीट इस वीडियो में इतना ही था, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें।